ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो सब का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को तोड़ते अगे तो हम गल करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर उत्ते सीबीआई वालों छापा मारा गया। रुहान सिविल सकत्रेत स्थित दफ्तर के छापा मारा गया। इस बाबत खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वालों ट्वीट करके जानकारी साझी की गई है। यह भी तुम्हें दस दी कि कथित शराब घोटाले मनीष सिसोदिया खिलाफ पहला ही जांच चल रही है, पहला भी छापेमारी हो चुकी है, पर हाल की घड़ी मनीष सिसोदिया के वालों खुद इस बाबत जानकारी साझी करते हुए आख्या गया है कि उन्होंने दफ्तर के बकायदा रेड की गई है। तो उन्होंने संबंधित जड़िया भी थावान ने उत्थे छापा मारा गया है। यह बकायदा इस बाबत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वालों जानकारी साझी की गई है। सिविल सकत्रेत स्थित दफ्तर के उत्ते छापा मारा गया। सिसोदिया ने जिस बाबत खुद ट्वीट करके जानकारी साझी की है, तो ट्वीट के बकायदा लिखा है कि आखिर स्वागत है तुहाड़ा, मैं स्वागत करता हाँ अजि छापेमारी के लिए। साढ़े नाल हरप्रीत मंदेशा भी बन चुके हैं, उन्होंने भी रुक कर लें। हरप्रीत, कहो जो जानकारी होर आ रही है? देखो अजे तक जो जानकारी मिली जो ट्वीट करके खुद मुख्य उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वालों दी गई कि उन्होंने 4 बजे के करीब एक ट्वीट किया गया कि सीबीआई वालों रेप उन्होंने रेड का एक आरोप लगाया कि उन्होंने उत्थे दफ्तर से रेड कराई गई। हालांकि जेकर सीबीआई के सूत्रों ने मनीए तो उन्होंने वालों यह कहा गया है कि यह धारा 91 जी सीआरपीसी की नोटिस के तहत यह काम किया गया दस्तावेज जमा कराने लिए, तो टीम इन्हें ही दस्तावेजा लैन वास्ते सिसोदिया के कार्यालय गई सी। हालांकि दूसरे पासे सूत्रे भी जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले नूं लैके एक वड्डा खुलासा जिहड़ा उह कीता जा सकदा, ते इसदे चलदे ही यह जिहड़ा काम किया गया। तो हुण सीबीआई वालों देखना होगा सीबीआई इस ते की अगों बयान दिंदी है, लेकिन जाहिर तौर पर इस शराब जिहड़ा मामला सी एक्साइज पॉलिसी का उसनूं लैके ही यह सारा काम किया जा रहा है। लगातार इस ते सियासत भी पकी रही, हुण देखना होगा इस ते अगला कदम की रहिंदा है। जी ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।